नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं कुंडली टीवी की खास पेशकश हम लेके आए हैं आपके लिए विशेष कुंडली टीवी की ओर से। 2020 में शनि का राशि परिवर्तन क्या करेगा वृश्चिक राशि का हाल। जी हां, बहुत खास आपके लिए सबसे पहले खुशखबरी वृश्चिक राशि वालों, 7.5 साल बाद, जी हां 7.5 साल बाद आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी वृश्चिक राशि वालों। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है वृश्चिक राशि वालों, आपकी 7.5 सती खत्म हो गई। जी हां, कब खत्म होने जा रही है बता रहा हूं, सारी गुड न्यूज एक साथ दूंगा आपको। तो पहले तो खुश हो जाइए कि बहुत दिनों से चल रहे बहुत सारे उल्टी सीधी हरकतें, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी परेशानियां आपके लिए स्वाह हो जाएंगी। अब अच्छे दिन की शुरुआत होने जा रही है आपके, गुड टाइम इज ऑन द वे। बस जान लीजिए कब क्यों और कैसे कमल नंदलाल के साथ। जी हां, तो ये गुड न्यूज मैंने आपको दी है, 7.5 साल बाद इतना अच्छा समय फिर से आपके जीवन में लौट के आ रहा है। कब होने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि 30 साल बाद, जी हां 30 साल बाद सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, शनि मकर राशि में आ रहे हैं, 30 साल बाद ये होने जा रहा है, बहुत बड़ा इफेक्ट होने जा रहा है। ये कब होने जा रहा है ये आपको बता देता हूं, शनि अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन नक्षत्र वही रहेगा। शनि पहले धनु राशि में चल रहे थे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में चल रहे थे। शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे नहीं, शनि उसी नक्षत्र में रहेंगे, शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण से दूसरे चरण में आ जाएंगे और अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। नक्षत्र वही रहेगा, चरण बदल जाएगा और शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहकर ही अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। शनि धनु राशि से मकर राशि में आ जाएंगे और ये शुभ दिन जो है यह है 24 जनवरी 2020 को दोपहर को 12:10 पर। आपकी तो बल्ले बल्ले। जी हां, और आपको यह भी बता देता हूं, शनि आपके दूसरे भाव को छोड़कर तीसरे भाव में आ जाएंगे और यहीं से खत्म होगी आपकी 7.5 सती। जी हां, 24 जनवरी का वो शुभ दिन आपके जीवन में बड़े परिणाम लेके आएगा। जी हां, बहुत बड़ा परिवर्तन शनि आपके जीवन में लेके आएगा। शनि दूसरे भाव से तीसरे भाव में आ रहा है और आपकी 7.5 सती फिनिश। जी हां, शनि सबसे बड़ा प्रभाव तब देता है जब शनि वक्र हो जाता है और सबसे कम प्रभाव तब देता है जब वो अस्त हो जाता है। तो शनि अस्त होगा 1 जनवरी 2020 को शाम को 6:24 बुधवार की दिन से लेकर के 2 फरवरी 2020 रविवार के दिन सुबह 6:09 तक। 32 दिनों की अवधि के लिए शनि अस्त हो जाएंगे और इफेक्ट बिल्कुल नहीं देंगे। और शनि 24 जनवरी 2020 से लेकर के 11 मई 2020 तक के लिए सीधा घूमेंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में ही घूमते रहेंगे, फिर उल्टे होंगे यानी कि उल्टा घूमना शुरू करेंगे और वक्र अवस्था में आ जाएंगे। और ये वक्र अवस्था होगी 11 मई 2020 को सोमवार के दिन सुबह 9:39 से लेकर के 29 सितंबर 2020 के दिन मंगलवार के दिन सुबह 10:40 तक शनि उल्टा घूमेंगे और 142 दिन के लिए शनि उल्टा घूमते रहेंगे। और यहां पर शनि अपना सबसे ज्यादा प्रचुर प्रभाव डालेंगे सबके ऊपर। लेकिन आपके लिए तो खुशखबरी है बंधु, आपकी तो 7.5 सती खत्म हो गई है, शनि अब शुभ ही शुभ देंगे आपको और आपके जीवन में रचेंगे खुशियों के रंग। आइए जानते हैं शनि आपके लिए कहां कहां असर क्या क्या डालेंगे। शनि जहां बैठते हैं वहां पर, जहां का स्वामित्व करते हैं वहां पर, और जहां दृष्टि डालते हैं वहां पर असर देते हैं। तो सबसे ज्यादा असर आपके तीसरे भाव में, छोटे भाई बहनों के भाव में शुभ असर आएगा, आपके प्रॉपर्टी के क्षेत्र में शुभ असर आएगा। शनि जहां दृष्टि डालते हैं वो भाव इफेक्ट होता है, तो आपकी लव लाइफ थोड़ी सी इफेक्ट होने वाली है, भाग्य थोड़ा सा इफेक्ट होने वाला है। 7/7 बंधु आपका इफेक्ट होने जा रहा है 12वां भाव भी। तो चलिए अब आपको जीवन के हर पहलू के हिसाब से बताते हैं कि आपके जीवन में क्या, हेल्थ से लेकर के, वेल्थ से लेकर के, एजुकेशन से, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर, प्रोफेशन, सब कुछ बताएंगे आपको, खुशखबरियां ही खुशखबरियां देंगे आपको।
शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक राशि वालों, मंगल बैठा है, मंगल ही स्वामी है आपका और मंगल को जन्म मंगल ही करते हैं। सबसे प्रचुरता से आप उदय होंगे और विशेष समय होगा आपके जीवन का, अपने बुद्धि, अपने कौशल, अपनी पर्सनालिटी के बिहाफ पर जीवन के हर क्षेत्र में आप जीत अर्जित करेंगे। यही राशि, यही लग्न हमारे प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है, तो मोदी जी पर भी 7.5 साल बाद राशि से 7.5 सती खत्म हो रही है और यह समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए, मोदी जी के लिए भी जीत का समय है, प्रचुर जीत का समय है, शत्रुओं को हराने का समय है और ग्रैंड विक्ट्री का समय है। जी हां, मोदी जी के साथ साथ वो जो वृश्चिक राशि वाले हैं सभी जीत हासिल करेंगे और सभी के लिए खुशखबरी का समय है। सबसे बेहतर आपकी स्थिति होगी, 7.5 साल बाद यह प्रेशर आप पर खत्म हो रहा है और यह जीवन का गोल्डन पीरियड आपका शुरू। जी हां, तो आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा होगा, आपके लुक्स में इजाफा होगा, आपके पॉजिटिविटी में इजाफा होगा और दिमाग 10 गुना ज्यादा तेज काम करेगा। बात करते हैं आपके धन भाव की। भाव नंबर 2, धन का भाव, कुटुंब का भाव। धन के क्षेत्र में बृहस्पति बैठे हुए हैं, बृहस्पति का स्वामित्व है, धनुराशि उदय हो रही है, बहुत बढ़िया धन की स्थिति रहेगी, जीवन में धन अर्जित करेंगे, सुख भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, कुटुंब का सुख भी मिलेगा। बात करते हैं आपके पराक्रम भाव की और यहां होती है आपकी बल्ले बल्ले गुड लक शुरू। शनि जहां बैठते हैं उस भाव को प्रचलित कर देते हैं, उस भाव को प्रचंडता से प्रभुत्व देते हैं, तो आपकी, आपके छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध बनेंगे, आपके समाज में आपके नाम का डंका बजेगा, आपकी सामाजिक छवि शानदार बन जाएगी, आप विजयी और अजयी होकर आगे बढ़ेंगे और झंडे गाड़ देंगे सफलता के। तीसरे भाव में इतनी पब्लिसिटी होगी आपकी कि आपकी सोच से वो चीज बाहर होगी। बात करते हैं आपके चौथे भाव की, प्रॉपर्टी का भाव, माता का भाव, फैमिली सुख का भाव और भाव फैमिली एटमॉस्फेयर का भी यही भाव है। बहुत बढ़िया स्थिति बनने जा रही है आपके जीवन में, चौथे भाव के अंदर भी प्रॉपर्टी से आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, माता से बहुत अच्छे संबंध बन रहे हैं आपके, पारिवारिक सुख भी पूरा अच्छी तरह से मिल रहा है आपका, फैमिली मेंबर आपका सुखता से संपन्नता से भरा रहेगा, बहुत बढ़िया स्थिति आपकी। बात करेंगे आपके पांचवें भाव की, लव रिलेशनशिप का भाव, यहां थोड़ी दिक्कत है बंधु। प्रेम का क्षेत्र, एजुकेशन का क्षेत्र, संतान का क्षेत्र, यहां दिक्कत आने जा रही है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से पांचवें भाव को देख रहे हैं, लव लाइफ में सक्सेस मिल सकती है, प्रेमी रूठ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं सी संभावना जरूर आ सकती है कि बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड छोड़ के जा सकते हैं, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड छोड़ के जा सकती हैं, प्रेम में परिवर्तन के समय है। तो लव की लाइफ के हिसाब से आने वाले 2.5 साल बहुत अच्छे नहीं रहने जा रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए। बात करते हैं एजुकेशन की, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं निराशा का सामना देखना पड़ेगा, लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहते आया हूं कि एन एक्स्ट्रा एफर्ट, आप अगर जीवन में एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, अगर आपको जहां पर 50% मेहनत करनी है वहां पर आप 100% मेहनत डालेंगे तो ग्रह अपना प्रभाव अपने आप कम कर देगा। तो स्टूडेंट जो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, सर्वे की तरीका है, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नथिंग एल्स, एक ही चीज है, वो है मेहनत और पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेहनत। तो लग जाइए, जम जाइए, अगर सफलता अर्जित करनी है तो सिर्फ मेहनत एक तरीका है, मेहनत करिए और सफलता अर्जित कीजिए। बात करते हैं अपने संतान पक्ष की आपके। देखिए, वो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो जो बच्चा प्लान कर रहे हैं उनके लिए सलाह है कि आने वाले साल में अभी बच्चा प्लान ना करें, अन्यथा कहीं ना कहीं बच्चे को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज को थोड़ी सी समस्या जरूर हो सकती है, सिजेरियन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जहां पर जच्चा और बच्चा को कष्ट हो सकते हैं, इसलिए संतान पक्ष थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। वो जिनके स्कूल गोइंग बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं उनको भी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आप बच्चे को समझा सकते हैं, आप बच्चे को समझाएं, उससे मेहनत करवाएं तो फिर भी रिजल्ट न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं एक्स्ट्रा मेहनत से, लेकिन कुल मिलाकर पांचवां भाव इफेक्ट हो रहा है। बात करते हैं आपके छठे भाव की, रोग व्याधि शत्रु और पीड़ा का भाव। इस भाव का स्वामी मंगल है, मंगल से शनि दबता है, कहीं पर भी बुरा असर नहीं दिखा रहा है शनि, कोई दृष्टि नहीं है, तो शत्रु भी हारेंगे, रोगों का शमन भी होगा, व्याधि भी मिटेगी और पीड़ा भी हटेगी, कष्ट हटेंगे और आप हो जाएंगे विजयी, कहीं कोई समस्या नहीं है। बात करते हैं आपके सातवें भाव की, फैमिली रिलेशनशिप का भाव, आपके लाइफ पार्टनर का भाव, दाम्पत्य का भाव, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव। शुक्र यहां पर
स्वामित्व करता है शुक्र से शनि के, बहुत अच्छे संबंध होते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप में सक्सेस मिलेगी, जीवन साथी के साथ में प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे, दाम्पत्य का सुख भी अच्छा मिलेगा, साथ ब साथ के अंदर बिजनेस पार्टनरशिप में अच्छा वेंचर मिल सकता है आपको, बिल्कुल इस बात को ध्यान देना है। अब बात करेंगे आपके आयु भाव की, एक्सीडेंट्स का भाव, आयु भाव, जीवन साथी से सुख का भाव। बुध यहां का स्वामित्व करता है, बुध से शनि के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, इस भाव पर शनि का कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा है, जीवन साथी से सुख में प्रचुरता आएगी, दाम्पत्य को बहुत अच्छी तरह भोगेंगे आप, जीवन में रोमांस और इंटीमेट रिलेशनशिप की बाढ़ है आपके लिए। एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा आपको, नसों का विकार हो सकता है, उसके लिए अवधि अवधि पर आप डॉक्टर से चेकअप कराते रहें और खान पान का बहुत विशेष तौर से ध्यान रखें। बात करते हैं आपके लक के भाव की, प्रॉब्लम अब यहां आती है। देखिए, किस्मत आपका साथ नहीं देने जा रही है, लेकिन आपका कर्म ही आपका साथ देने जा रहा है। किस्मत के बूते आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा एक तो आपकी कुंडली का बाधक है और चंद्रमा शनि के साथ में बहुत बुरे संबंध रखता है, तो आपके भाग्य भाव में प्रॉब्लम है। किस्मत के सहारे तो बिल्कुल मत रहिएगा कि अगर किस्मत के सहारे बैठे और किस्मत कुछ दे रही है तो बिल्कुल नहीं दे रही है। किस्मत रूठ गई है ये मान लीजिए, अब एक ही चीज आपको बचा सकती है, एक ही चीज आपको झंडा गड़वा सकती है, एक ही चीज आपको सफलता दिलवा सकती है, और वो है आपकी मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत और आपकी बौद्धिक क्षमता। अगर आप पूरी मेहनत करेंगे और राइट एंगल से मेहनत करेंगे, पूरी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मेहनत करेंगे तो सक्सेस तो आ ही जाएगी। जी हाँ, तो किस्मत के सहारे बिल्कुल मत लीजिएगा, लेकिन हाँ, चीजों को सही चलाने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप पारद शिवलिंग की उपासना करें। इसका उपाय मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा प्रोग्राम के एंड में, क्योंकि शिव ही ऐसे हैं जो आपको किस्मत के दम पर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, शनिदेव के गुरु भी हैं शिव, तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बात करते हैं आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की, आपके फादर की। सूर्य के साथ वैसे बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं, लेकिन इस भाव पर शनि अपना कोई असर नहीं दिखा रहा है, फादर की हेल्थ अच्छी रहेगी, फादर के साथ में बहुत मधुर संबंध बनेंगे, साथ ब साथ के अंदर ये जो समय है आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाएगा प्रोफेशन और करियर के लिए। आप सफलता भी पाएंगे, नौकरी में उन्नति भी पाएंगे और जीवन के हर हर्डल को क्रॉस करते जाएंगे, प्रमोशन भी इंडिकेटेड है, बिजनेस भी अच्छा डेवलप होगा आपका। बात करते हैं आपके 11वें भाव की, आपका लाभार्जन का भाव, बड़े भाई बहनों का भाव और लाभ का भाव। इस भाव का स्वामित्व बुध करते हैं, बुध के साथ में शनि के बहुत अच्छे संबंध है, शनि इस भाव पर कोई बुरा असर नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए लाभार्जन क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी आपको, प्रमोशन के साथ साथ ऐसी संभावना जरूर है कि आप बिजनेस डेवलपमेंट जरूर कर पाएंगे इस साल, बड़े भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छे संबंध बनेंगे और आपकी जीवन की गाड़ी सरपट दौड़ेगी। अब बात करते हैं एक प्रॉब्लमेटिक भाव की, आखिरी भाव की, खर्चों का भाव, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव, एक्सपेंसिव का भाव, हानि का भाव। शनि यहां पर अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि शुक्र के साथ में संबंध अच्छे होते हैं शनि के, अपनी 10वीं दृष्टि से शनि यहां पर प्रभाव तो डालेंगे लेकिन बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे। एक बात को समझनी होगी आपको, ये कि इस साल आपको अपने जीवन साथी के साथ में बहुत ही ज्यादा वाइसली चलना होगा, कहीं भी इधर उधर संबंध नहीं बनाते हैं, ना ही हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर आपको कहीं कोई दिक्कत होनी है, अदरवाइज पेट के सेहत के कारण, पेट के कारण आपके हॉस्पिटल्स के बिल बढ़ जाएंगे, या वो पेरेंट्स जो हैं जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस का सामना जरूर करना पड़ेगा, और ये चीज़ दिखाता जरूर है कि आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात आपको समझनी ये होगी कि लॉयल्टी फैक्टर बहुत ज़्यादा बना करके रखना है, कहीं ना कहीं ऐसी संभावना ज़रूर आ सकती है कि प्रेगनेंसी के दौरान कहीं ना कहीं आपका दिमाग इधर उधर डीरेल्ड हो जाए, अन्यथा पूरा साल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और फिट रहेगा। अब प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा एक ऐसा टिप जिसकी वजह से आप शनि के शुभ प्रभाव प्राप्त कर पाएंगे, किस्मत भी साथ देगी और जीवन की हर हर्डल को आप पार कर लेंगे और विजयी होंगे। वैसे भी ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है। क्या करें, घर की उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर पारद शिवलिंग, अंगूठे के फर्स्ट नॉड से के बराबर का शिवलिंग स्थापित कर दें, और क्या करें, साथ ब साथ के अंदर एक मोती गंगा जल में डाल के कांच की बोतल में शिवलिंग के पीछे रख दें, वहां पर घी का दीपक जलाएं और इस फटिक की माला से नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। शनि तो क्या, इस दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, विजयी होंगे, झंडे गाड़ेंगे सफलता के और आपके लिए गुड लक का साइन। तो दर्शकों, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी धनु राशि के साथ में,
धनुराशि के लिए भी अलर्ट का समय है, एपिसोड जरूर देखिएगा। और हम आपको बताएंगे शनि का राशि परिवर्तन 2020 में धनुराशि का क्या करेगा हाल। तो अब अपने फ्रेंड, अपने मित्र, अपने सखा कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला साल बेहतर हो, सुखद हो, शुभ हो। और हाँ, कुंडली टीवी के यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।